Alright, so you watched the video. Welcome back to our channel. और guys, Neon Man ने हमारे को famous कर दिया यार. मतलब Neon Man ने ऐसे डाला फुकरा इंसान appreciates अलग पांडे सर. उसके बाद a lot of you guys came in my comment section और तुमने बोला भाई सर पे पूरी वीडियो बनाओ भाई. To be honest, I respect him so much. मतलब मेरे को इतना प्यार है उनसे भाई. यूनिकॉर्न कंपनी बना दिया उन्होंने और उनके फ्रेंड ने मिलके. इट्स awesome man. ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे लोग हमारे को और चाहिए अपनी दुनिया में. To be honest, उन जैसा कोई नहीं. बट उनकी जो शायरिया है, उनके जो मोटिवेशनल कोट्स है, मतलब ही सैवेज मैन. तो हम वही उन्हीं पे रिएक्ट करने वाले गाइस आज. तो लेट्स गो. टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. अलग पांडे सर ओपी इन द चैट. लेट्स गो गाइस. मुझे लगता है कि इस टाइम कोई सिंगल बचा ही नहीं. ओहो, तुम्हारी उम्र के लड़के अब सिंगल बचे ही नहीं है. 80% लड़के तुम्हारी उम्र के इस टाइम कमिटेड है. 80% लड़कों के पास गर्लफ्रेंड है. ओहो, और बचे हुए 10% के पास दिमाग है. एक मिनट. दिमाग 10 अभी 10 और बचे तो वो 10% तुम हो ना. बचे हुए 10% तुम हो. ना लड़की है ना दिमाग है. कालू बैठे हुए हो. ये बहुत अच्छा था. मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया. मैं सोचा चलो 80% लड़कों के गर्लफ्रेंड ठीक है, हम 10% में आते हैं. फिर वो के सर कह रहे तुम 10% में भी नहीं आते हैं, बच्चे 10% में आते हो. ना दिमाग है ना गर्लफ्रेंड. वैसे दिमाग तो है. एडिटर बिग ब्रेन दिखा देगा. देखा दिमाग है. नेक्स्ट. नहीं इससे मैं एग्री करता हूँ. ट्रू लव इज ब्यूटीफुल. हाय 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 हाय. मैं ये बता रहा हूँ फिजिक्स वाला सर, मुझे जेन्युइन जानना है आपने बचपन से अब तक कितनी गर्लफ्रेंड पटाई. आई रियली वांट टू नो भाई. आप इतनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे टिप्पणी देते हो और सारी शायरी में प्यार मोहब्बत जरूर होती है और एंड में उल्टा वक्त बदलते हैं. प्यार मोहब्बत से उसमें आ जाता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, काम पे ध्यान दो. वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को. शो मी अ बेटर कम बैक देन दिस. आई विल वेट. ओहो, इंटेंस मैच हो रहा है जेठा जी और सुंदर के बीच में. बबीता जी आ गई, पावर आ गई भाई. देयर इज नो बेटर कमबैक देन दिस भाई. कि अगर बच्चों को लगता है कि उनका बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है और वो उससे उभर नहीं सकते, तो आई एम टेलिंग यू उभर सकते हो. बस आप काम करना स्टार्ट करो. इंसान क्या होता है उस चीज उस फेज में घुसा रहता है, निकलना true, नहीं चाहता. वेरी ट्रू. ओ गान में वो ईयरफोन लगा के वही अरिजीत सिंह सैड सॉन्ग सुन रहा है, उसी को और एम्पलीफाई किया जा रहा है. अब दिन भर आप सोचोगे तो और दुखी होगे. जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करोगे फोर्स करके खुद को और एक दूसरी जगह से आपको खुशी मिलना स्टार्ट होगी, आप उधर डाइवर्ट हो जाता है आपका. भाई आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस. आई हैव बीन देयर इन दिस सिचुएशन. तो मैंने एक ही चीज रियलाइज करी कि भाई जिस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे ना माइंड पे वो चीज ग्रो होगी. तो ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे तो पॉजिटिव होगे, नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो नेगेटिव भरता जाएगा आपके दिमाग में. और फिर भाई फिर ब्रेकअप क्या, फिर तो कोई बाहर नहीं निकाल सकता तुम्हारे को. काम करना चालू कर दो, जिम जाना चालू कर दो, सब बल्ले बल्ले. जय माता दी. लेट्स टॉक. वाईफाई नहीं चल रहा है. वाईफाई नहीं चल रहा है. वाईफाई की प्रॉब्लम नहीं है, बताता हूँ क्या होता है. अच्छा जी. जब मोबाइल का वाईफाई और गर्लफ्रेंड का रिप्लाई हो जाए स्लो, समझ जाओ बेटा तुम्हारी डिवाइस से कनेक्टेड पीपल हैं दो. दो. वाह. समझ रहे हो, वो एक लड़की होती है, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है और उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है. तो गाइस समझ लो, जो लड़की अगर बॉयफ्रेंड को रिप्लाई करना कम कर दे तो समझ लो उसका कनेक्शन बेस्ट फ्रेंड से और ज्यादा गहरा हो रहा है और बॉयफ्रेंड जाने वाला है. वाह 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 वाह. नेक्स्ट. और सभी लड़कों से मेरा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि साल भर जिनका पीछा कर रहे थे ना स्कूटी का, जिनको नोट्स दे रहे थे, जिनकी मदद कर रहे थे कि एक दिन फट जाएगी एक दिन फट जाएगी, भाई साहब रक्षाबंधन पास आ गया है, संभल के रहो. मैंने एक देखा है फिजिक्स वाला सर एकदम ना शायरी में बोलते हैं. तुम देख रहे हो ना ही सैवेज मैन. इन्होंने स्ले पॉइंट को भी जो रिप्लाई दिया था भाई वो काफी ऑसम था. आई लव बोथ ऑफ देम, स्ले पॉइंट भी फिजिक्स वाला सर भी, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड सर रिप्लाई करने वाले और ऐसा सैवेज रिप्लाई. ऑसम भाई. ओहो अब ये मत कहना फिजिक्स वाला सर भी आएंगे रील बनाने. अरे अच्छा बच्चा लिख रहा है, पर मैडम मैं तो सिर्फ डाउट पूछने आया था, ये सब क्या कर रहे हैं आप. सही बात है. इससे ना मेरे को वो याद आई, लक्ष्य भाई ने रील शेयर करी थी जिसमें ना सारे पुलिस ऑफिसर्स डांस कर रहे थे और वहां पर एक बंदा से खड़ा है, मैं तो FIR लिखवाने आया था सर, मेरी क्या गलती. नाइस वन भाई, नाइस वन. नेक्स्ट. वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पहले मैंने बजाया. आउल. आपको कुछ बोलना है जानवी? जिराफ पक्षी. जिराफ ही पक्षी है भाई. ये वही लड़की है ना जो कह रही थी मैथ्स जस्ट मेक्स यू रिटार्डेड. अबे जीरो.
जिराफ पक्षी है और हम गधे हैं। ओहो हो मौंजुलिका भाई डरावना ना हो बस। विमल दिखा दो अब बस। आए हाय विमल थूक दिया। आई लाइक इट। घर में खाना नहीं होगा तो बीटीएस खाना बनाने नहीं बस गाने सुन लिए उनके वो लिपस्टिक लगा के जो नाचने आए लड़के एकदम है उसने गाने सुन लिए उसी में खुश हो गए। लो बीटीएस आर्मी आ गई। चलो भाई बीटीएस आर्मी कोई देख लेते हैं देख लेते हैं। हाँ बीटीएस आर्मी अब बीटीएस आर्मी दे पढ़ाई लिखाई से क्या होता है हम बीटीएस आर्मी का फैन। हाँ बीटीएस आर्मी हाँ दिखा दो जल्दी से थम्स अप बहुत अच्छे बीटीएस आर्मी। अरे पढ़ाई लिखाई से क्या होता है हम तो भीख मांग लेंगे लेकिन बीटीएस का हम फैन बने रहेंगे कोई मजाक है क्या। हमने अपनी मम्मी की कसम खाई हम बीटीएस की तो हाँ बीटीएस आर्मी शो पर्पल तुम कन्या नहीं होती ना कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाते गाल सूज जाता बीटीएस बोल ना पाती अगर तुम लड़का होती तो। ओह शिट तुम लड़की इसलिए सब काम हम करते नहीं है नाक से खून निकाल लेते घूसा मार मार के। ये जेन्युइन बहुत अच्छी बात है पढ़ाई लिखाई करनी थी बीटीएस के फैन रहना जब हमारे घर में खाने को नहीं होता बीटीएस ही तो आएगा खाना बनाने। खैरो लड़का होती तो मुक्का मार के नाक फट देनी थी खून ही खून हो जाता। इंसान को जीवन में एक बार प्यार करना चाहिए। आय हाय हाय एक बार तो प्यार करना आय हाय 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 ताकि उसे ये समझ में आ जाए कि जीवन में प्यार क्यों नहीं। देख मेरे को पता था ये पलटेंगे मेरे को पता था ये कुछ उल्टा बोलेंगे जिससे ना मैं भी सोचूं सर प्यार को प्रमोट कैसे कर रहे हैं। सर प्यार को प्रमोट नहीं करते सर प्रमोट करते सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो प्यार नहीं करना। हेलो बिजी हो क्या प्यार भरी वाली शायरी बड़े खुश हो गया डबल टिक हो गया एक घंटे बाद रिप्लाई आ रहा है थोड़ा बिजी हूँ रात में बात करूंगी अब बड़े खुश अब बैठे हुए मोबाइल लेके कब आएगा मैसेज कब आएगा मैसेज। फंसे हुए ऐसे नकली लोगों के चक्कर में और अपना असली प्यार भूल गए हो तुम जो लोग तुम्हारे लिए असली में सैक्रिफाइस किए उनको भूल गए अपने माँ बाप को भूल जाते हो तुम। मॉम डैड गाइस पापा यहाँ घुमाए ले चले यहाँ घुमाए ले चले पापा लेके भी जा रहे हैं किस तरह से मैंने तेरे को कुछ खिला दिया क्योंकि चाहते हैं तुम खुश रहो बदले में क्या चाहते हैं तुम कुछ बन जाओ जीवन में अपने लिए नहीं। True. ये अपना असली प्यार छोड़ के तुम नकली चीजों में जो प्यार करने लगे हो ना माँ बाप से बढ़कर प्यार कोई प्यार नहीं होता गाइस। मॉम डैड और भाई बहन एक यही जो लोग होते हैं दुनिया में जो तुम्हार को तरक्की अपने से ज्यादा करना देखना चाहते हैं मतलब ये सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा या फिर गुरु जो चाहते हैं कि हमारा लाइक बेटा भाई या फिर हमारा शिष्य हमसे आगे निकले तो दैट इज फैक्ट्स ऑफ लाइफ। एक और वायरल वीडियो की शुरुआत। ओहो हो वायरल वीडियो की शुरुआत तो आज हमारे पास ये तो ग्लास है टीका सिंह तुम कुछ भी टिका देते हो ना इस पेपर के ऊपर इस ग्लास को नहीं टिक सकता मतलब इधर टिक सकता ना ग्लास पे ग्लास लगाएगा तो बीच में कोई टिकेगा ही नहीं नहीं टिकेगा गिर जाएगा ट्राई करो गिरना ही है नहीं टिका मैं टिकाता हूं। ये अच्छा पूरा पेपर फोल्ड कर दिया उसको रखेंगे बीच में टिक जाएगा ये अच्छा वो ऐसे ऐसे वो पेपर को फोल्ड करा हुआ है ये फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट है कमेंट करके बताओ यहाँ कौन सी फिजिक्स लगी है कमेंट करो भाई मजाक से हट के कमेंट करो मेरे को भी नहीं पता कौन सी फिजिक्स लगी है यार यहाँ पर। नेक्स्ट बस इतनी पावर चाहिए भाई ये लड़की ने पूरा पेड़ निकाल दिया जड़ों से पेड़ निकाल दिया और गिरी ओ भाई उठा लिया पेड़ ही उठा लिया। हल्क भी लाइक हम यहाँ क्या कर रहे हैं यार हमारा कोई रोल ही नहीं है साले मजाक बना के रखते हो जैसे वो नहीं आते रिश्तेदार बेटा रखना चाहिए सॉरी नहीं 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 बुआ जी नहीं बेटा रखना चाहिए नहीं बुआ जी नहीं रखना चाहिए लेना तो चाहते हैं पर लेते नहीं है पैसे ले 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 और बुआ जी अंदर से क्या सोच रही है एक बार और मना कर दे इसकी मम्मी आके मना कर दे तब तक आती है तुम्हारी कहानी की विलन मम्मी नहीं पैसा नहीं लेना नहीं गंदी बात है पैसा नहीं लेना है ना नहीं इनको पैसा मत दीजिए इनकी आदत खराब हो जाती है नहीं नहीं अब ये पैसा आने के बाद भी इसमें दिक्कत है ये पैसा पहले तो exactly. तुम और तुम्हारे भाई या तुम और तुम्हारी नहीं तो मम्मी रख लेती है। एक तो आजकल भी बुआ लोग ये 100 रुपए 200 रुपए दे रहे हैं इनको बताओ इतनी महंगाई आ गई है कम से कम 2000 का नोट तो निकाल
वही अभी भी 100 रुपए 50 रुपए टॉफी खा लेना। कौन सी टॉफी आती है? पहले ही डिवाइड होता है भाई बहन में या भाई भाई में, वहां तक तो चलो सही है, इंसान सह लेता है। सबसे ज्यादा छल कपट कब होता है? जब वही मम्मी बाप सीधे कितना दिया बोले पैसे लो मेरे पास खा दो, तो मैं जब मुझे बता देना। ये तो भाई सत्य बोल दिया, मम्मी पापा मेरे पता क्या पहले से बोलते थे, बुआ हुआ कोई पैसे थे कि नहीं नहीं बेटा पैसे नहीं लेना, और उसके बाद जब बुआ चल जाएगा कितने दिए 200 चल्ला वापसी। यार दिस इज चीटिंग, और ये अन्याय किस किस के साथ हुआ है कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड फिजिक्स वाला सर लव यू सर, यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट, जॉब कर रहे हो करते जाओ, और भगवान आपको और तरक्की दे और मस्ती करते रहो। मिलते हैं फिर गाइस अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।